अच्छा ही कहेंगे जी। और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर और मुझ पर विश्वास किया है, और जो जनता जनार्दन की अपेक्षाएं हैं उसके मुताबिक अपने कर्म का निर्वाह जो है वो पूरी ईमानदारी से करेंगे जी। मुकाबला कितना कड़ा था, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिस दम तो उन्होंने बड़ा जोर लगाया था कहीं ना कहीं इस बार मात जरूर देनी है, पर जनता कहा ना जनता जनार्दन है, उसने कहीं ना कहीं फिर से आप पर विश्वास जताया, क्या कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जनता का जो इतना भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूँ। यही इलेक्शन में होता है, अब रिजल्ट आ रहे हैं जी। तो वो इलेक्शन की बात इलेक्शन में रही, अब आगे चलना है, लोगों की जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं या जो क्रॉनिक इश्यू हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करनी है। उम्मीद थी जनता पर इस तरह से प्यार बरसाएगी, निशावर करेगी। बिल्कुल थी। जनता की उपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश या पता कर लिया उतरेंगे पूरा खरा? मुझे लगता है अगर मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे जी तो वो ऐसा ही रहा है कि मेरी कथनी और करनी में और मेरी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। यही वजह है कि जनता ने प्यार बरसाया कि आप जो कहते हैं वो करके बताते हैं। मैं कहता ही इतना हूँ जो कर सकता हूँ क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है और वो गैप को माननीय मोदी जी ने जो है हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसका नरेटिव चेंज किया है जी। और वो जो एक वोटर और एक सेवक में जो रिश्ता होता है अब वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा था, तो पिछले 10 साल से मोदी जी ने उसको रिस्टोर किया है और वो स्ट्रेंथन किया। सर, दिल्ली विजन की भली भांति अब समस्या को समझते, उम्मीद करते हैं अब उनकी आवाज बड़ी बुलंदी। मुझे लगता है उन लोगों ने हमारी नौकरी लगाई है और हमें भी मैं उनकी केस को बड़ी देर से प्लीड कर रहा हूं और हमारी पार्टी की कमिटमेंट भी है